हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। अब हम आप सभी को जैसे बताया था कि हम सभी जा रहे हैं शिर्डी धाम बाबा से मिलने। बाबा का बुलावा आया था, काफ़ी टाइम से दिल इच्छा थी कि हम जाए बाबा से मिलें, बट ऐसा संजोग बन नहीं पा रहा था। खैर बाबा ने हमको बुला लिया है, तो अब हम जा रहे हैं बाबा से मिलने। और हम इस बार आपको पूरा दिल्ली स्टेशन से पूरा शिर्डी धाम कोपरगांव तक का पूरा सफ़र आपको बताएंगे बाई ट्रेन। अभी हम दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए दिल्ली के स्टेशन पे है ना। तो हम आपको पूरा इसमें ये बताएंगे कि हम दिल्ली से कोपरगांव शिर्डी कैसे जा सकते हैं, क्या क्या हमको मिलने वाले हैं, है ना। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आपको हम सब कुछ इसमें बताएंगे। हम आपको सारा रिव्यू यहाँ से बताते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये न्यू दिल्ली हम आ गए हैं। अब हमारी जो ट्रेन है वो 8:20 पे है। 8:20 मतलब ये हमारे जो ट्रेन है ये कर्नाटक एक्सप्रेस है। तो हम कर्नाटक एक्सप्रेस से हमारी ट्रेन आएगी, उसके बाद फिर अब जब हम कोपरगांव पहुंचेंगे तो उसका टाइम है 4:30 बजे। 4:30 से 4:45 के आसपास ये हमको कोपरगांव पहुंचाएगी। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा सफ़र होता है। ये करीब अपने टाइम पे तो निकल गए थे, चल अच्छा हुआ। अब हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, बस ट्रेन आ जाए, इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। पर हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि हम इस सफ़र में आपको संपूर्ण इस सफ़र की यात्रा कराएंगे और शिर्डी पहुँच के हम आपको बाबा के दर्शन भी कराएंगे और सबकी मनोकामना पूरी हो, आशा हम यही करते हैं। तो बस हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही ट्रेन आती है तो फिर हम निकलेंगे कोपरगांव। और हमारी एक रिलेटिव है, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कि 10 से 15 लोग हैं, वो हमें झांसी में मिलने वाले हैं। और अच्छी बात है कि वो हमारी बोगी में ही है, उनका रिजर्वेशन हुआ है। ये बहुत अच्छा है कि अलग अलग बोगी में ही मिली, रिजर्वेशन में सबको एक ही बोगी में मिल गया था। तो अब हम चलते हैं और फिर ट्रेन जब आती है बैठते हैं, फिर हम आपको इसको बताते हैं।